एक गांव में दो दूध वाले रहते थे। एक का नाम कन्हैया था और दूसरे का नाम कालिया। कन्हैया अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। रोज सुबह उठकर वह अपनी गाय को हरा चारा डालता था। गाय भी बहुत खुश थी और खूब सारा दूध दिया करती थी। फिर वह उस दूध को पास के गांव में बेचने जाता था। उसके ग्राहक भी उससे बहुत खुश थे क्योंकि वह दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाता था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक और दूध वाला था, उसका नाम कालिया था। वह बहुत लालची और एक नंबर का आलसी था। वह कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। सूरज निकलने के बाद भी वह सोता रहता था और भूख के मारे उसकी गाय चिल्लाती रहती थी। अरे यार, ये क्या बेकार जिंदगी है। रोज सुबह सुबह इस गाय की अम्मा अम्मा सुन के नींद खुल जाती है। दूध तो इतना कम देती है और हर वक्त चिल्लाती रहती है। फिर वह अपनी गाय को रूखी सूखी घास डाल देता है। ले खा ले, दूध तो थोड़ा सा ही देती है और बदले में इतना सारा चारा खा जाती है। फिर वह उसका दूध निकालता है। उसकी गाय बहुत थोड़ा सा दूध देती है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है। मुझे पहले से ही पता था कि तू बहुत कम दूध देने वाली है। अरे कन्हैया की गाय से कुछ सीख। उसकी गाय पूरी बाल्टी भर के दूध देती है और एक तू है। अब फिर से मुझे इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। फिर वह दूध में खूब सारा पानी मिलाता है और पास के गांव में दूध बेचने जाता है। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले ला दूध। अरे क्या भाई, तुम रोज रोज इतनी देर से आते हो। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह चाय भी नसीब नहीं हो पाती। कल से जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं तुमसे दूध नहीं लेने वाला। अरे ये क्या, इतना पतला दूध क्यों भाई कालिया? आज कितना पानी मिला कर लाया इस दूध में? मुझे तेरा दूध नहीं चाहिए। इसे वापस ले जा और किसी और को जाकर मूर्ख बना। चल भाग यहाँ से। ठीक है भाई, चिल्लाते क्यों हो? पानी ही तो मिलाया है, कौन सा जहर मिला दिया है जो इतना नाराज हो रहे हो? चल भाग यहाँ से। फिर वह दूध वाला वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर कालिया की पत्नी उसके पास आती है। अजी, आज की कमाई के पैसे तो आपने मुझे दिए ही नहीं। अरे लालची औरत, पैसे कहाँ से लाऊं? आज तो ग्राहक ने सारा दूध वापस लौटा दिया। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया आज? होना क्या है, रोज पानी वाला दूध पी पी कर ग्राहक तंग आ चुके हैं। अब हमारी पानी मिलाने वाली तरकीब सब ग्राहकों को पता चल चुकी है। अब हमसे कोई दूध नहीं खरीदने वाला। सबके सब कन्हैया से ही दूध खरीदने की बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। हमें कोई न कोई तरकीब निकालनी होगी, नहीं तो हमारे सारे ग्राहक ही कन्हैया हड़प लेगा। मेरे पास एक तरकीब है। फिर आधी रात होने पर वे दोनों कन्हैया के घर पहुंच जाते हैं। कन्हैया सो रहा होता है और पास में ही उसकी गाय बंधी होती है। अजी सुनिए, कन्हैया सो रहा है, अभी सुबह होने में एक घंटा बाकी है। मैं यहीं इस पर नजर रखती हूँ, आप इसकी गाय का दूध निकाल लीजिए। अरे बाबा, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझता था, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकली। तुम यहीं रुक कर इस पर नजर रखना, मैं चुपके से इसकी गाय का सारा दूध निकाल लूंगा। फिर कालिया कन्हैया की गाय का सारा दूध निकाल लेता है और वे दोनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। फिर सुबह होने पर कन्हैया रोज की तरह अपनी गाय को चारा डालता है। दूध ले लो, दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो दूध। अरे ये क्या, आज मुझे सुबह उठने में देरी कैसे हो गई? ये कालिया तो आज मुझसे पहले ही दूध बेचने निकल गया। मुझे जल्दी करनी होगी। फिर वह जल्दी जल्दी अपनी गाय का दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या, दूध तो निकल ही नहीं रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है गाय की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आज रहने देता हूँ, आज इसे आराम करने देता हूँ। इतना बोलकर वह अंदर चला जाता है। अरे भाई साहब, दूध लेना है क्या? एकदम गाढ़ा दूध है,
यकीन ना हो तो खरीदने से पहले खुद तसल्ली कर लो, फिर पैसे देना। हाँ, आज तो तुम्हारा दूध वाकई में बढ़िया लग रहा है। ठीक है, वैसे भी आज कन्हैया तो आया नहीं है। ठीक है, 2 लीटर दूध दे दो। फिर वह दूध वाला वापस अपने घर आ जाता है। अरे प्रियतम, कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। फिर उसकी पत्नी जल्दी से बाहर आती है। देखो, आज तो मैंने सारा दूध बेच दिया, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई, हमें खूब सारा मुनाफा हुआ है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से कन्हैया के घर चलेंगे। फिर रात होने पर वे दोनों फिर से कन्हैया के घर जाते हैं और उसकी गाय का सारा दूध निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार कन्हैया की पत्नी उन्हें ऐसा करते देख लेती है, वह चौंक जाती है। कालिया और उसकी पत्नी दूध निकाल कर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। फिर सुबह होने पर कालिया फिर से कन्हैया से पहले ही दूध बेचने निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध वाला, दूध वाला, दूध मुझे ले लो, जल्दी करनी होगी। फिर वह जल्दी जल्दी अपनी गाय का दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या, दूध तो निकल ही नहीं रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी गाय को चारा भी खिलाया है, लेकिन ये दूध क्यों नहीं दे रही? इतने में कन्हैया की पत्नी वहाँ पहुँचती है और उसे कालिया की असलियत के बारे में बताती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मेरी गाय दूध नहीं दे रही। अजी, आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। आ जाने दो इस कालिया को, इसे अच्छे से सबक सिखा कर ही रहेंगे। फिर रात होने पर कन्हैया की पत्नी अपनी गाय की जगह एक सांड को वहाँ बांध देती है। आज आने दो इसे, जब दूध निकालेगा तब इसे पता चलेगा। अरे भगवान, चलो जल्दी चलो, कन्हैया के घर दूध चोरी करने जाना है। फिर वे दोनों कन्हैया के घर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत अंधेरा हो रहा होता है। वह सीधा सांड को गाय समझकर उसके पास जाता है और दूध निकालने की कोशिश करने लगता है। अरे ये क्या, आज दूध क्यों नहीं निकल रहा? अजी जल्दी कीजिए, आज इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो कहीं कोई आ न जाए। तभी वह सांड जोर से कालिया को लात मारता है। अरे मर गए रे, अरे इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी, अरे तेरा नास मीटे, आए मर गया रे। अजी ये कैसे हो गया, अरे जल्दी से उठो कहीं आज हम पकड़े ना जाएं। अरे लगता है मेरी टांग टूट गई है, मुझसे घड़ा नहीं हुआ जा रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उतने में कन्हैया और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। क्यों कालिया, मजा आया? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कन्हैया भैया, मैं तो इन्हें बहुत समझाती थी कि ये गलत काम मत कीजिए, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं थे। मैं तो आज भी इन्हें रोकने के लिए ही आई थी। चोरी, लालची औरत, तेरा नाश मिटे, ये पूरी तरकीब तेरी ही थी, अब पकड़े जाने पे सारा दोष मुझ पे क्यों डाल रही है? तेरे लालच की वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ा, आज तेरी वजह से ही मुझे सांड से लात खानी पड़ी। आ मर गया रे, मेरी तो टांग ही टूट गई। कालिया, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है, तुमने हमेशा काम चोरी ही की और कभी भी अपनी गाय की सेवा नहीं की, तुमने सिर्फ अपनी गाय से फायदा ही उठाना चाहा, इसीलिए तुम्हारी गाय तुम्हें कम दूध दिया करती थी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कन्हैया भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा और रोज सुबह उठकर अपनी गाय की सेवा करूंगा और उसे हरा चारा खिलाऊंगा, फिर वो भी मुझे बहुत सारा दूध देने लगेगी, मुझे माफ कर दो। चलो भगवान, अब घर चलते हैं। अरे मेरी टांग तो टूट ही गई, अरे इस औरत के लालच ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों जी, मैं तो लालची थी, लेकिन आप कौन सा बहुत मेहनती थे, आप भी तो एक नंबर के आलसी और काम चोर थे।
आपको तो ये सबक मिलना ही चाहिए था। मोरल, हमें जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए।